अमरोहा जनपद के गजराला थाना क्षेत्र के गांव बिजौरा में अपनी मां को पीटने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी एसपी पूनम ने दी। वहीं आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के गजौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बिजौरा के निवासी कलयुगी बेटे नन्हे ने बीती रविवार को अपनी बुजुर्ग माँ को बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा था। इस पूरे मामले की वीडियो किसी शख्स ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली थी और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस वीडियो में बुजुर्ग महिला रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही थी और उसने बताया कि उसके बेटे ने उसे पीटा है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद से उसका कलयुगी बेटा फरार चल रहा था, लेकिन एसपी पूनम के निर्देश पर गजौला थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसको अदालत में पेश किया जा रहा है। गजौला थाना क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति अपनी माँ की पिटाई कर रहा है। उस पर पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर विधिक कार्रवाई की गई। उस अभियुक्त जिसका नाम नन्हे है उसको गिरफ्तार किया गया। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने गांव कालाखेड़ा में चल रही अवैध शराब का कारोबार करने वाले दो शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान शातिरों के एक साथी ने पुलिस को चकमा देकर भागने में जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, तो वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित शराब और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। अपमिश्रित शराब बनाने का काम कर रहे दो अभियुक्त सोनू व अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त राजकुमार फरार है। इनके पास से 55 पौवे देसी शराब फाइटर मार्का, 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 70 खाली पौवे फाइटर मार्का, 450 पौवे के ढक्कन व शराब बनाने के उपकरण लैक्टोमीटर आदि बरामद हुए हैं। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक प्रमुख मोहन भागवत धर्मनगरी चित्रकूट के 7 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली से उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति से चित्रकूट रेलवे स्टेशन, वहां से दीनदयाल शोध संस्थान पहुंचे। आपको बता दें कि वो 13 जुलाई तक पंडित दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्य धाम में रहेंगे। उसके बाद 8 जुलाई से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होने वाली 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को संघ के क्षेत्रीय प्रचारक चित्रकूट पहुंचेंगे और वो 9 जुलाई और 10 जुलाई को होने वाली क्षेत्रीय प्रचारक की बैठक में मोहन भागवत भाग लेंगे। इसके बाद 10 और 11 जुलाई को प्रांतीय प्रचारकों के साथ मोहन भागवत वर्चुअली बैठक लेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए 300 प्रचारक ऑनलाइन इस बैठक से जुड़ेंगे। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। बांदा में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां पुलिस की दबंगई इतनी बढ़ गई कि एक युवक को पुलिस चौकी ले जाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डालकर युवक की पट्टों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस ने युवक को 151 रुपए का चालान काटकर वापस घर भेज दिया, जिसके बाद युवक और उसके परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए देहरी पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, लेकिन उनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं एसपी ऑफिस में आया हूं। अच्छा, किस समस्या को लेकर आए हैं आज आप? मुझे 151 में निर्दोष मेरा चालान किया गया है और मुझे मारा गया है। ताकि भाई एक पंचायत थी हमारे बगल में केवटों की, उसमें वो लोग बुलाए थे, सब लोगों को माने नहीं। इसके बाद पुलिस वाले आ गए, हम लोग गाली गलौज करने लगे। बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो पूरन राय की। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल सामुदायिक भवन नेगरून रोड पर और शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज 84 दिन पहले लोगों को लग चुका था, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के टीकाकरण में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 300 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 275 लोगों ने पहुँच कर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। मध्य प्रदेश के रतलाम से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर अली की रिपोर्ट।